हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, पीएचपी में मैजिक मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैजिक मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा, तो आज हम बात करते हैं एक दूसरे मैजिक मेथड्स के बारे में जो है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर दोस्तों कंस्ट्रक्टर का वाइस वर्सा एक तरह से कहते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि जैसे कंस्ट्रक्टर जो है कब कॉल होता है, जब आप एक क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो रहता है क्लास का वो कॉल होता है। तो जो डिस्ट्रक्टर है, जैसे कि नाम है डिस्ट्रक्शन, तो इट मीन्स कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टास्क है, जो भी उसके थ्रू आप सर्टेन टास्क या जो फंक्शनैलिटी जो उसके थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हो, जब वो ख़त्म हो जाती है या वो एंड अप हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो है पीएचपी ऑटोमेटिकली जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन इसका कॉल कर देता है, जो क्या कर देता है पीएचपी से इस जो मेमोरी इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एलोकेट हुई थी वो उसको क्या कर देता है, वहाँ से उसको रिमूव कर देता है, ताकि पीएचपी की परफॉर्मेंस जो है या जो भी आपकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग की जो परफॉर्मेंस है बेटर हो। तो इस तरह से जो है कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपकी पीएचपी की जो स्क्रिप्ट है वो एंड अप हो जाती है या जो भी एग्जीक्यूशन जो भी टास्क उसके थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जब स्क्रिप्ट जो है एंड हो जाती है या जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो टास्क अचीव कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, तो एट द टाइम जो है जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, फ्री अप कर लेता है। और दूसरा जो है डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा ये कॉल नहीं होता है, पीएचपी ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन इसको कॉल कर लेता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे, जैसे हम यूज़र का एक एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफिकली कॉल कर लेता हूँ, डिफाइन करके रख देता हूँ डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। सिंपली यहाँ पे एको कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, मेमोरी रिलीज्ड, सिंपली इतना ही एको करवा दिया मैंने। तो अब देखिए, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके थ्रू जो भी मैंने कॉल करवाया है फंक्शनैलिटी, जैसे क्रिएट किया है यूज़र, उसके बाद फाइल में डेटा स्टोर किया है, सिंपली टेस्ट एको कर दिया, जब ये सारा काम हो जाएगा तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एट द एंड कॉल हो जाएगा। ये देखिए, रिफ्रेश, ये देखिए, ये पहले यूज़र जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी फंक्शनलिटी उसके थ्रू रही थी वो उसने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो एलोकेटेड मेमोरी इस ऑब्जेक्ट को असाइन हुई थी ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो वो सारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ताकि आपकी कोड या आपकी परफॉर्मेंस पीएचपी की जो भी प्रोग्रामिंग की परफॉर्मेंस है पीएचपी की वो बेटर रहे, बनी रहे। तो इस चीज़ के लिए पीएचपी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। और दूसरी खास बात जो है डिस्ट्रक्टर की क्या रहती है, डिस्ट्रक्टर में दोस्तों काफ़ी लोग जैसे रहते हैं, जैसे मैंने इस यूज़र को यहाँ पे जैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है डीबी कनेक्शन क्रिएट किया होगा, तो एट द टाइम जब आप जो है आपका जो टास्क जो है कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे अपना जो कनेक्शन है जो भी आपका रहता है, जैसे सपोज दैट आपका जो डीबी लिंक होगा, आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। इस तरह से जो आप उस फंक्शन को कॉल करके आप अपना कनेक्शन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी जो है कोडिंग की परफॉर्मेंस जो है क्या रहती है, बेटर रहती है। तो हमारे लिए भी यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइल ओपन की है, फाइल राइट की है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या रहता है कि हम क्या कर दें, इस फाइल को यहाँ पे बंद कर दें। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ रहता है कि जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं, जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, जो ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी के दौरान जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी आपके सारे काम को बाद में एट द एंड समेटने के लिए, ताकि सब चीज़ें जो एक मैनेज्ड रहे, मैनेजेबल रहे कोड, तो इस चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, और आपकी कोड की परफॉर्मेंस बेटर रहे, तो इन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, तो एट द टेंड में एंड में जो है यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उन चीज़ों को क्लोज कर लेता हूं। तो मैं यहां पे एफ क्लोज ये फंक्शन और डॉलर दिस
फाइल। मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, इस पे फाइल में जो डेटा मुझे रखना था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद सारा काम जब कंप्लीट हो गया तो मुझे इस फाइल की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस कनेक्शन को क्या कर दिया, यहाँ पे फाइल को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जब जो भी सारा जो मेरा जो टास्क है यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा, तो PHP में उसमें एक्स्ट्रा जो मेमोरी उसको फाइल को ओपन करने के लिए, उसको राइट करने के लिए जो मेमोरी उस दौरान लगी थी, तो मैं उस मेमोरी को जो है क्या करता हूँ वहाँ पे रिलीज करना चाहता हूँ एट द टाइम जब मेरा टास्क मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो है कोड बेटर वे में रन हो। तो इस चीज के लिए ये जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसे केसेस में ये बहुत 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 यूजफुल रहता है। तो होप आपको इसका जो एक जो बेनिफिट एक जो यूज जो है काफी हद तक जो है समझ आया होगा डिस्ट्रक्टर क्या है, किस तरह से कॉल होता है और क्या बेनिफिट्स क्या यूजेज इसका रहता है। तो होप यू गाइस लाइक इट। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।